नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूँ झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से। जो इसकी लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की वो 17 मई ही होगी, और जो इसकी आवेदन की हार्ड कॉपी अभिलेख सहित प्राप्त की अंतिम तिथि 6 जून होगी। तो विज्ञापन संख्या है ये 7/2023 है। इसमें आपको बताना चाहूंगा कि इसमें पद का नाम होगा निदेशक और गव्य विकास। ये पद होगा जो स्थायी होगा, परमानेंट होगा। इसका वेतन मान होगा 37,400 से 67,000 रुपये तक। ग्रेड पे इसका 8,700 होगा। पद अवधि होगी इसकी 5 साल की। इसके मतलब आपको 5 साल तक ही इसमें काम करना होगा। इसकी इतनी ही पद अवधि है। और इसमें जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है, जो रिक्वायरमेंट है इसकी, वह है भारत अथवा विदेश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से गव्य विज्ञान यानी डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी हस्बेंड्री, डेयरी एनिमल साइंसेस स्नातक और डिग्री धारी हो। यानी आपके पास में इसकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि डेयरी टेक्नोलॉजी और डेयरी हस्बेंड्री में होनी चाहिए पूर्ण। और जो इसका एक्सपीरियंस है उसका बात की जाए तो अभ्यर्थी किसी राज्य सरकार या भारत सरकार यानी किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में उन्नीक्षित वेतन संरचना के अनुसार 15,600 से 39,100 रुपये ग्रेड पे 7,600 के वेतन मान से कम 3 वर्षों की सेवा का अनुभव अवश्य हो। इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है 3 साल का। और जो प्रशिक्षण और विशेषज्ञता है उसकी बात की जाए तो नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी अपनी बायोडाटा में अपने अनुभव और विशेषज्ञताओं का ब्यौरा देंगे। जो अपनी स्किल्स है, जो उनका एक्सपीरियंस है, उन सबका अपना ब्यौरा देंगे उसमें। और जो उम्र सीमा है उसकी अंतिम संदर्भ तिथि है 1/8/2021, यानी आपकी उम्र सीमा न्यूनतम 45 वर्ष और अधिकतम 57 वर्ष होनी चाहिए। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया चयन झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अंतर परीक्षा के आधार पर अनुसूचित पैनल से की जाएगी। इसके रूल्स दे रखे हैं कि जो 10th या मेट्रिकुलेशन में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 12th और इंटरमीडिएट में 10 मिलेंगे, स्नातक में 20, स्नातकोत्तर में 20, प्रशिक्षण में विशेषज्ञता में 10, पीएचडी में 10, साक्षात्कार में 20 एंड टोटल हो गए इसके 100 मार्क्स हो गए। इसके जो प्राप्तांक होंगे और पूर्णांक होगा उसके संबंधित शैक्षणिक अर्हता के लिए निर्धारित अंक, इसे मल्टीप्लाई करके आपका इसमें रिजल्ट काउंट होगा। और जो इसकी परीक्षा शुल्क होगा वो होगा SBI क्लर्क के थ्रू इसमें इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के SBI क्लर्क प्राप्त स्वीकार किए जाएंगे। तो इसकी साइट दे रखिए www.jpsc.gov.in पर। और जो EWS और SC ST उनके लिए 600 रुपये देने होंगे जो अलग अलग स्टेट से होंगे। जो झारखंड वाले होंगे SC ST के उनके लिए 150 रुपये होगा। और इसमें जो आवेदन पत्र बनने की आवश्यक शर्तें निर्देश दे रखे हैं इसमें कि आपको प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। इसमें JPS जो साइट है उस पर आपको जाके अप्लाई करना है। इसमें ईमेल ID, मोबाइल नंबर, यूजर ID, पासवर्ड वगैरह आपको देख लेना है। यूजर के आपको अप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तब पता चल जाएगा। इसमें हेल्पलाइन नंबर दे रखा है इसमें, और सुबह 10 बजे शाम के बाद तक आप इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें हेल्पलाइन नंबर दे रखा है आपके सभी तरीके की। और इसकी बात की जाए तो इसमें इसका एड्रेस दे रखा है कि आप इसमें सुबह हस्ताक्षर करने के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्वयं भी प्रमाण पत्र नहीं है पद आयोग के कार्य बताए जमा करना सुनिश्चित करेंगे। यानी जो आपको एड्रेस दे रखा है उस पर आपको इसके जो ऑनलाइन आवेदन किया है उसको आपको सबमिट करना होगा। और साक्षात्कार है तो आपको मतलब इंटरव्यू के लिए आपको मैट्रिक प्रमाण पत्र चाहिए, उसकी फोटो कॉपी चाहिए, इंटरमीडिएट की फोटो कॉपी चाहिए, स्नातक की फोटो कॉपी चाहिए, और PhD के प्रमाण पत्र और या जो जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, ये सब चाहिए होगा आपको। ये सब इसकी इसकी लास्ट डेट दे रखी है, इसकी 17 मई इसकी लास्ट डेट है। 11:45 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में था। थैंक यू, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।